சித்தாளம் நமோ ஆயிரியாள நமோ உவஜ்ஜாயாள நமோலோய் சௌசா. பக்தாமர பிரணத மௌலி மணி பிரபாணா முத்யோத கந்தலித பாப தமோவிதானம் சம்யக் பிரணம்ய ஜின பாத யுகம் யுகாதா வாலம்பனம் பவஜலே பததாஞ்சனானாம் யஹ சன்ஸ்துத சகல வாங்மய தத்துவ போதா துத்பூதபுத்திபட்டுபிஹி சுரலோகநாதைஹி ஸ்தோத்ரைர்ஜகத்ரிதயசித்தஹரைருதாரைஹி ஸ்தோஷ்யே கிலாஹமபிதம் ப்ரதமஞ்ஜினேந்த்ரம். புத்தஸ்த்வமேவ விபுதார்ச்சிதபுத்திபோதாத் தன்ஷங்கரோசி புவனத் த்ரயசங்கரத்வாத் தாதாசி தீர் ஷிவ மார்க விதேர் விதானாத் வ்யக்தம் த்வமேவ பகவன் புருஷோத்தமோசி. சௌவீஸ்வே காவ்ய மே ஆச்சாரிய மாந்தம் சுவாமி நே ஆதீஸ்வர பிரபு கி ஸ்துதி கர்த்தே ஹுயே, हे भगवान, आपको संत जन सत्पुरुष 15 नामों से पुकारते हैं. उन 15 नामों में ब्रह्मा ईश्वर जैसे नाम भी समाविष्ट थे. अनेक और एक ये दो नाम भी थे. जिनेंद्र भगवान ने प्रत्येक वस्तु को अनेकांतात्मक बतलाया है, यानी ऐसी कोई वस्तु नहीं है, चेतन हो या जड़, जो अनेक रूप न हो. एक ही वस्तु में अस्तिपना और नास्तिपना दोनों होता है. एक उदाहरण देते हैं, ये मयूर पिच्छी है, इस पंक्ति में आपने देखा इयम मयूर पिच्छिका अस्ति, यह मयूर पिच्छी है. तो इसमें अस्ति एक धर्म आ गया इसका. इयम पुस्तिका नास्ति, यह पुस्तिका नहीं है. कौन नहीं है? ये पिच्छी. पिच्छी क्या नहीं है? पुस्तिका नहीं है. कुंडिका नास्ति, ये कमंडल भी नहीं है. मनुष्य नास्ति, ये मनुष्य नहीं है. इसका अर्थ ये हुआ कि पिच्छी का के सिवाय कुछ नहीं है. तो एक ही वस्तु में अस्ति और नास्ति हुई कि नहीं? वो अपने स्वरूप से अस्ति रूप है, लेकिन अन्य स्वरूप से नास्ति रूप है. अन्य का मतलब पिच्छिका के अलावा और जो कुछ भी है वो पिच्छिका नहीं है. तो एक ही वस्तु में अस्ति नास्ति, ये दो विरोधी धर्म आ गए ना. विरोधी है लेकिन समझने से समझ में आ जाते हैं कि एक साथ रह सकते हैं. एक घर में ही भाजपा और कांग्रेस वाले रह सकते हैं, साथ में बैठकर खाना भी खा सकते हैं, और होटल का तो कहना ही क्या है, सब इकट्ठा हो जाते हैं. शादियों में भी यही स्थिति है.
प्रत्येक वस्तु अनेक रूप है। अब देखिए, ये तो अस्थि और नास्ति धर्म की बात हुई, इसी तरह नित्य और अनित्य धर्म की बात है। ये पीछे सामने रखिए। वैसे रखने का कायदा तो ये है कि ऐसे रखी जाए ताकि नीचे की जो कोमल पंख है वो कठोर न बने अथवा मुड़ न जाए। तो ये पीछे का है। इसमें नित्यत्व धर्म भी है और अनित्यत्व भी है। नित्य का अर्थ क्या होता है? हमेशा रहने वाला। और अनित्य का अर्थ क्या होता है? बदलने वाला। जब ये पिछली नवीन थी तब इसके पंख ऐसे थे, अब यहाँ धूप बारिश हवा ठंडक गर्मी इसके प्रभाव से इसमें ऊपर से परिवर्तन आया, अंदर भी आ रहा है परिवर्तन। कुछ परिवर्तन दिखते हैं, कुछ दिखते नहीं हैं लेकिन होते हैं। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है ये उसका अनित्य धर्म है, लेकिन इसके परमाणु नष्ट नहीं हो सकते। स्थाई है, अवस्थाएं बदलती है, लेकिन जो मूल द्रव्य है वो कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए ये नित्य और अनित्य दोनों रूप है। इसी प्रकार भगवान को भी अनेक कहा, क्योंकि भगवान भी अनेक रूप है। द्रव्य रूप भी है, गुण रूप भी है, पर्याय रूप भी है, अनेक रूप है। ज्ञान स्वरूप है। अब ज्ञान स्वरूप को समझना थोड़ा सा सावधानी की अपेक्षा रखता है। ज्ञान सबके पास है, ऐसा कौन सा जीव है जिसके पास ज्ञान न हो? भले मंद बुद्धि हो लेकिन ज्ञान रहित कोई जीव नहीं होता। इवन बैक्टीरिया कीटाणु जीवाणु विषाणु जैसे छोटे छोटे जंतुओं में भी ज्ञान होता है। ये ज़रूर है कि ज्ञान जब कषायों की संगति में पड़ता है तब विकृत होता है, उसमें इच्छाएं आती हैं, जाना और फिर इच्छा करता है कि ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, बस दो ही इच्छा होती है। फिर इन इच्छाओं का विस्तार करो तो सारा संसार है। आप देखो, कभी भी कोई भी इच्छा होगी आपके अंदर, आप देखना वो दो भागों में विभाजित होगी, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, चाहिए राग नहीं चाहिए द्वेष। राग द्वेष के सिवाय और है क्या? इसलिए जब ज्ञान राग द्वेष से दूषित होता है तब उसको ज्ञानी जन अज्ञान भी कह देते हैं। अज्ञान का अर्थ दूषित ज्ञान और अज्ञान का अर्थ न जानने रूप स्थिति, दोनों स्थितियां होती है। तो भगवान ज्ञान स्वरूप ही हैं। ये स्वरूप की बात जहाँ आती है वहाँ पर परमात्मा और आत्मा में अंतर नहीं होता, लेकिन जब भगवान के विशेष गुणों की बात आती है और वहाँ पर अपन कहते हैं भगवान ज्ञान स्वरूप है तो फिर वो क्षायिक ज्ञान स्वरूप की दृष्टि से उस रूप माने जाते हैं। क्षायिक ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान का आवरण क्षय को प्राप्त हो गया, हमेशा के लिए नष्ट हो गया, अब वो ज्ञान निरावरण है। ज्ञान का काम है जानना, और जाना किसको जाता है? जो जानने योग्य है। और जानने योग्य क्या है? विश्व। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो जानने योग्य ना हो, इसलिए इनको सर्वज्ञ कहते हैं, क्योंकि ज्ञानावरण के हट जाने के बाद उनका ज्ञान उद्घाटित हो जाता है और वो लोकालोक को प्रकाशित कर देता है, सबको जान लेता है। और अमल का अर्थ होता है घाती कर्म रूपी मल से रहित, पाप को मल भी कहते हैं ना, उससे रहित। घाती कर्म चारों के चारों पाप कहलाते हैं, उनसे रहित होते हैं। और
अब 25वें काव्य में आचार्य कहते हैं कि त्वमेव बुद्ध, आप मेरे आराध्य हैं और मुझे मेरे आराध्य में सब कुछ दिख रहा है, सारे आराध्य मुझे अपने आराध्य में दृष्टिगोचर होते हैं, मेरे पास भक्ति की आँख है और मैं जब उस आँख से आपके दर्शन करता हूँ, इन चर्म चक्षुओं से जब आपको देखता हूँ तो ये चर्म चक्षु आपको देख ही नहीं सकते, ये चक्षु तो असैनी जीवों के पास भी होते हैं और जितने आँख वाले प्राणी, मक्खियों के पास भी आँखें होती है, मकड़ियों के पास भी होती है, लेकिन उनको भगवान नहीं दिखते, भगवान के आसपास जो उनके खाने योग्य वस्तु होती है वो दिखती है, लेकिन एक भक्त की आँख भगवान को देखती है। वो एक ऐसी आँख है जो महादुर्लभ है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जिसने बाल्यकाल से अपनी उम्र भर मंदिर जी जाकर दर्शन करने का नियम लिया हो, देव दर्शन का, उसको हो सकता है कभी जीवन में एकाध बार या दो चार बार दर्शन मिले हो। ये दर्शन सुलभ नहीं है, देव दर्शन शब्द है, प्रतिमा दर्शन शब्द नहीं है। आप मूर्ति दर्शन के लिए जाते हैं कि देव दर्शन के लिए? तो इन दोनों में अंतर समझना। देव दर्शन श्रद्धा की आँख करती है, मूर्ति दर्शन अपनी चक्षु इंद्रिय से होता है। ये जिनकी मूर्ति है उनसे अपना कुछ परिचय है, वो परिचय अपने को माँ ने दिया था। अपनी माँ ने परिचय दिया था कि ये कौन है, और वो माँ इस देह की जन्मदात्री माँ नहीं थी। आत्मा को मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनाने में समर्थ जो माता है, जिनवाणी माता, उन्होंने परिचय दिया था कि ये तेरे पिता है और उनकी ये आकृति है। इस आकृति के दर्शन से माँ की बातें याद आती हैं और फिर मूर्ति में वो जिनकी मूर्ति है उनका ख्याल आने लग जाता है। जैसे किसी ऐसे बच्चे की माँ, जिस बच्चे ने बाल्यकाल से अपने पिता को नहीं देखा, वो चले गए लेकिन उनकी तस्वीर लगी है, माँ उस तस्वीर की ओर इशारा करके बतलाती है कि ये तेरे पिता थे। और फिर कभी कोई एल्बम मिल जाता है तो उसको खोल कर बताती थी, ये देखिए ये तेरे पिताजी। तो जब भी उस तस्वीर को वो देखता है, और विशेष रूप से स्मृति दिवस पर, जैसे आज चंद्रप्र भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस है, तो विशेष याद आती है और हृदय भाव विभोर हो जाता है, भक्ति से गदगद हो जाता है। तो उस आँख से, श्रद्धा की आँख से, इन आँखों ने नहीं देखा पिता को, लेकिन माँ ने जो परिचय कराया था, माँ के प्रति कितना विश्वास है बच्चे को। इसी प्रकार जिस प्राणी को जिनवाणी माँ पर वैसा विश्वास होता है, उसको भगवान का परिचय प्राप्त हो जाता है। जो लोग जिनवाणी पर संदेह करते हैं और ग्रंथों में से भी कुछ पंक्तियों को सिलेक्ट करते हैं, कुछ पंक्तियों को रिजेक्ट करते हैं, वो तो एक राग द्वेष की परिणति है। सिलेक्ट करने का अर्थ आपको वो बात पसंद आ गई, रिजेक्ट करने का मतलब आप नापसंद कर रहे हैं उस बात को। भगवती आराधना ग्रंथ में
ग्रंथकार आचार्य शिवार्य स्वामी लिखते हैं 38वीं गाथा में, पद्मखरं च एकं नरो चेदि जोः सूत्र निदिट्ठं अवशेषं रोचन्तु मिच्छा इट्ठि मुनि यवो। मिथ्या दृष्टि की क्या पहचान है? तो बोले, जो माँ की बात को पूरा मानता है लेकिन एक पद और एक अक्षर किसी एक पंक्ति को, किसी एक शब्द को अथवा किसी एक अक्षर को उस वो गले नहीं उतार पाता, बस ये मिथ्या दृष्टि की पहचान है। पूरी जिनवाणी को माने लेकिन अगर उसमें से एक अक्षर अथवा एक पद को भी अस्वीकार करे तो वो मिथ्या दृष्टि है, निश्चित है। जो पूरे के पूरे शास्त्रों को नकार देते हैं उनका तो क्या कहना। क्यों नकारते हैं? क्योंकि कुछ बातें उनको पटती नहीं है। न पटने का कारण उनका दुराग्रह। और क्या कारण हो सकता है मां की बात न पसंद करने का? दुराग्रह ही तो हो सकता है। इसको सद्बुद्धि कहोगे क्या कि जिनवाणी माता की किसी बात को कोई व्यक्ति पसंद न करे अथवा किसी अनुयोग को अमान्य कर दे? चार अनुयोग होते हैं ना जिनवाणी माता के। अपन जब भी पुंज चढ़ाते हैं, प्रथम करणं चरणं द्रव्यम नमः, चार पुंज चढ़ाते हैं, उसमें से एक पुंज को ऐसे फेंक दे वो कि प्रथमानुयोग को हम नहीं मानते, वो कोई सिद्धांत नहीं है, तो फिर एक सवाल है, यदि वो सिद्धांत नहीं है तो इतना भर बता दो, क्या प्रथमानुयोग जैन शास्त्र है या नहीं? क्या प्रथमानुयोग जैन सिद्धांत से विपरीत है? इतना भर बता दे। आपको अर्थ लगाना नहीं आता, आप उल्टा अर्थ लगाकर उसको उल्टा समझते हो। अपनी बुद्धि को सीधा करो। आचार्य शांति सागर महाराज श्री का आचार्य पद जिन वीर सागर आचार्य महाराज को प्राप्त हुआ था, उन्होंने कहा था कि जिनवाणी को अपनी बुद्धि के अनुसार मत पलटो, अपनी बुद्धि को जिनवाणी के अनुसार पलट लो, कल्याण हो जाएगा। तो माँ ने जो परिचय दिया उस परिचय से जब भगवान की छवि को देखते हैं और उनका स्मरण करते हैं तो ऐसा कैसे संभव है कि भगवान की छवि धुंधली न हो जाए, ब्लर हो जाती है छवि भगवान की? क्यों? क्योंकि आंखें भर आती हैं, भरी हुई आंखों से स्पष्ट नहीं दिखता, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कुछ कम हो गया, आंखें भर आती भक्ति के आंसू से। बहुत दुर्लभ है भक्ति के आंसू, कुछ बिरले साधुओं के वैसे आंसू निकल पाते हैं और गृहस्थों में भी निकल आते हैं, बहुत बिरले होते हैं वो जिनकी आंखों से भक्ति के आंसू निकले हैं। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने लिखा है कि जब शेर की आंखों से आंसू निकले तो मिथ्यात्व गल कर आंसू बन गया था और निकल गया और फिर अंदर सम्यक्त के लिए स्थान बन गया। तो आप ही बुद्ध हैं क्योंकि आपकी बुद्धि अर्थात ज्ञान का विकास देवों द्वारा अर्चित है। आप शंकर हैं क्योंकि शम का अर्थ आनंद होता है, आप आनंदकारी हैं, आपके जन्म काल में तीनों जगत में पल भर का आनंद होता है। आप धाता हैं, विधाता हैं, ब्रह्मा हैं क्योंकि ब्रह्मा विधि का विधान करते हैं, आपने मोक्ष मार्ग की विधि का विधान किया। और ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप पुरुषोत्तम हैं क्योंकि व्यक्तम, ये बात व्यक्त है कि आप ही पुरुषोत्तम हैं, सभी आत्माओं में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम, इसका पद्यानुवाद। तुम ही बुद्ध हो क्योंकि सुरों से पूजित है तव केवल ज्ञान, तुम ही महेश्वर शंकर जग को करते हो आनंद प्रदान,
तुमी धीर हो ब्रह्मा आत्म हित की विधि का किया विधान, तुमी प्रगट पुरुषोत्तम भी हो हे भगवन अतिशय गुणवान। जैनम जय दुशासनम, जैनम जय दुशासनम, जैनम जय दुशासनम।